सावन माह के उपलक्ष्य में मां बंगलामुखी धाम नजदीक लम्मा पिंचौक हुशियारपुर रोड पर स्थित गुलमोहर सिटी में धाम के संस्थापक एवं संचालक नवजीत भारद्वाज की अध्यक्षता में संपूर्ण फलदायी श्रृंखलाबद्ध मासिक मां बंगलामुखी हवन यज्ञ एवं मां बंगलामुखी जी को छप्पन भोग का आयोजन किया गया, जिसमें सबसे पहले ब्राह्मणों द्वारा आए हुए सभी मां भक्तों से नवग्रह पंचोपचार षोडशोपचार गौरी गणेश कुंभ पूजन मां बंगलामुखी जी के निमित्त माला जाप कर पूजा अर्चना उपरांत हवन यज्ञ में आहुतियां डलवाई, जिसके बाद नवजीत भारद्वाज ने मां भक्तों को साथ लेकर मां बंगलामुखी जी को विधिवत छप्पन भोग लगाए। इस अवसर पर दैनिक सवेरा के मुख्य संपादक शीतल विज, विधायक रमन अरोड़ा, आम आदमी पार्टी कंटेनर बोर्ड की चेयरमैन राजविंदर कौर, पार्टी पंजाब के महासचिव जगरूप सिंह सेंखवा, विधायक बाबा हेनरी, पूर्व विधायक मनोरंजन कालिया, पूर्व मेयर जगदीश राज राजा, आप पार्टी के युवा जिला प्रधान डॉक्टर अमित शर्मा, बीजेपी देहात प्रधान अमरजीत सिंह अमरी, समाज सेविका ज्योति चड्डा, पीयूष चड्डा, आप नेता हंस राज राणा, एसटी ग्रुप के चेयरमैन हरीश कपूर, एसटी अस्पताल के डॉक्टर आशीष कपूर, हकीम तिलक राज कपूर, अस्पताल के डॉक्टर नवनीत कपूर, चेयरमैन अर्पित कपूर, पूर्व विधायक राजेंद्र बेरी, आप नेता चंदन गरेवाल, पूर्व पार्षद विपन चड्डा, बब्बी जोगिंदर शर्मा, दीप्ति कौशल, श्री देवी तालाब मंदिर के प्रमुख सेवादार रमन शर्मा, रमनी शर्मा, सौरभ शर्मा, मंजीत सिंह टीटू ने विशेष रूप से सम्मिलित होकर मां बंगलामुखी जी का आशीर्वाद प्राप्त किया, जिसके बाद अपने विचार व्यक्त करते हुए नवजीत भारद्वाज ने कहा कि जो जीवन में नियमों को मानता है, प्रकृति का सम्मान करता है, उसे कभी कष्ट नहीं होता। वर्तमान में कोरोना महामारी ने इसको सत्य साबित भी कर दिया है कि धैर्य रखने का सुखद परिणाम मिलता है। इस अवसर पर श्रीकंठ जज, श्वेता भारद्वाज, राकेश प्रभाकर, अश्विनी शर्मा धूपवाले, सुदेश शर्मा, समीर कपूर, संजीव शर्मा, प्रवीण, रोहित भाटिया, लवली रलहन, बाबा जोशी, दिशांत शर्मा, अमरेंद्र कुमार शर्मा, प्रदीप शर्मा, नवदीप, राजीव भारद्वाज, अशोक शर्मा, अजीत कुमार, अश्विनी शर्मा, पंकज, करण वर्मा, राजेश महाजन, भानु मल्होत्रा, मानव शर्मा, अश्विनी थापर सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद थे। आरती उपरांत प्रसाद रूपी लंगर भंडारे का भी आयोजन किया गया। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुरेंद्र बाबा की रिपोर्ट। कुल देवी की कोई भी या प्रॉब्लम है, क्योंकि बहुत सारे लोग ये भी गल करना कि पाकिस्तान को माइग्रेंट्स होके आए, उन्होंने अपने कुल देवियां का कुल देवतियां की नॉलेज नहीं है, जिन्होंने कुल के बारे में नहीं पता, कौशल गोत्र उत्पन्न बोलिया कर, जिन्होंने नहीं कुल का पता, कई लोगों को पता, कई अपने कुल बारे नहीं पता, महर्षि हुए कौशल जी, उन्होंने कहा कि बाकियों मेरा गोत्र दिता जाए, जिदा कोई भारद्वाज गोत्र उत्पन्न है, कोई प्रभाकर है, कोई वर्मा है, कोई शर्मा है, अलग अलग गोत्र है, जिन्होंने अपना गोत्र नहीं पता वो कौशल गोत्र उत्पन्न बोलिया कर, इस चीज का ध्यान रखा जाए। अपनी कुल देवी जिदा मेरी कुल देवी ज्वाला जी है, जिदे जिहड़ी तुहाडी कुल देवी है उहदा ध्यान रखो, और उन्होंने कहो कि साडे परिवार दे उत्ते अपना मेहर पर्याप्त रखो, बाल गोपाल संतान होना एक तुहाडे कुल देवियां ते कुल देवतियां दे हक है, हर कोई एक चीज दा नहीं बन सकता। जे असी पीर फकीर किसी को जाने हैं, किसी फकर को संत महात्मा को जाने हैं, तो वो भी सब तो पहला जी फरियाद है वो अपने कुल देवतिया लिए करवाता है, कई जठेरे है, देवियां है, और अलग अलग स्थान है, सखियां के स्थान है, अलग अलग रिच होते हैं साया के, सो जिदा भी जिदा भाव हो अपने कुल देवते याद करते हुए ਇਹ ਵਾਲੇ ਪੁਸ਼ਪ ਚੜਾਉਣੇ ਆ ਜੋ ਦੋਸ਼ੀ ਤੋਂ ਜੈਮਾ ਜੀ।
बहुत बड़ा ही तुम।